धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव स्कूली बच्चों को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं और यहीं पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह पूरा मामला गांवा के अमतरों से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमतरों का सरकारी विद्यालय काफ़ी जर्जर अवस्था में था। ऐसे में यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की जान आफत में पड़ी हुई थी। 2 वर्ष पहले यहाँ के बच्चों को बगल के स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया और यह कहा गया कि भवन को बना दिया जाएगा। इस बीच भवन गिर गया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई गांव से दूर के स्कूल में होती रही। फिर से भवन बनाने का प्रयास नहीं हुआ। ऐसे में राजकुमार यादव ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव का कहना है कि जब तक स्कूल का भवन बनेगा नहीं, तब तक बच्चे सड़क पर ही पढ़ेंगे। इधर प्रशासन ने स्कूल भवन के लिए जमीन चिन्हित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हम लोग जो है सो नवादा टू गिरिडीह रोड पर अमतरो के प्राथमिक विद्यालय के सामने आज सड़क पर स्कूल चल रहा है। 21/10/2022 को ही हम लोगों ने जर्जर भवन का सूचना डीसी से लेकर के तमाम विभाग के लोगों को दे चुके थे कि अमतरो गांव एक दलित बहुल गांव है, यहां दलित बच्चे पढ़ते हैं, यहां का बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अविलंब जो है सो भवन निर्माण करके यहाँ के स्कूल को संचालित किया जाए। लगातार प्रयास के बावजूद भी आज 2 साल हो गया जब बिल्डिंग निर्माण नहीं हुआ और बच्चों को जो है सो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे साढ़ा भवन में प्राथमिक मध्य विद्यालय साढ़ा में इन लोगों को भेजा जा रहा है। 70% दलित बच्चे आज शिक्षा से वंचित हैं, इनका मध्यान्ह भोजन समय पर नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल विधायक को, प्रत्येक साल सांसद को मिलता है, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी जन उपयोगी छात्रों के भविष्य के साथ जो इतना बड़ा मजाक हो रहा है, लेकिन 1 रुपया इन लोगों ने नहीं दिया। 20 लाख रुपया का एस्टिमेट भी 2022 में ही बन करके शिक्षा विभाग के जेई के द्वारा तैयार हुआ, लेकिन नहीं मिला, न जमीन मिला, न भवन मिला। और मैंने लगातार आज से 4 दिन पहले भी मैंने सभी विभाग को, डीसी को, एसडीओ को, सीओ को, वीडियो को, शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा अधीक्षक को भी सूचना दी है कि 31 जुलाई तक यदि भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई, यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने का नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो सो बच्चों का सड़क पर विद्यालय चलेगा। और उसी कार्यक्रम की सूचना के माध्यम से आज हम लोग जो है सो पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर हम लोग जो है सो सड़क पर विद्यालय चल रहा है, जिसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय विधायक है, यहाँ के सांसद हैं, जो शिक्षा मंत्री भी पूर्व में थी अभी भी मंत्री है, और यहाँ के जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, क्योंकि हमारा शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो हमारे शिक्षा से वंचित किया गया है, मध्यान्ह भोजन से वंचित किया गया, और ये अत्याचार हमारे दलित बच्चों के साथ जो हुआ है, इस अमतरो गांव के लोगों के साथ जो हुआ है, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ठोस आश्वासन और स्वीकृति का आश्वासन का और जमीन का आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा, ये जो है सो विद्यालय इसी सड़क पर रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक हमारा अभी जैसे 3 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है, 3 बजे तक हम चलाएंगे, फिर कल चलाएंगे, फिर परसों चलाएंगे, लेकिन डेली चलेगा। और इसको प्रशासन को और सरकार को जिम्मेवार लेना होगा और अविलंब जो है सो विद्यालय का स्वीकृति और जमीन देना होगा, और जब तक नहीं देते हैं तब तक यहीं जमतोरों में वैकल्पिक व्यवस्था जो पंचायत भवन है वहां पर क्लास चलाने का आदेश जारी करेंगे।